एक ऐसा शख्स जो भविष्य के साल 8973 में जाकर वापस आ चुका है, 7000 साल आगे जाकर इसने हमारी दुनिया में क्या देखा, और एक ऐसी लड़की जिन्होंने एक साथ 20 बॉयफ्रेंड बनाकर एक घर खरीद लिया, लेकिन कैसे, समझ रहे हो, और एक ऐसी कंपनी जिसका टैटू अगर आपने अपने हाथों पर बनवा लिया तो फिर वो कंपनी आपको 100 सालों तक फ्री में पिज्जा खिलाएगी, और एक ऐसी जगह जहां मुर्गियों का रोड क्रॉस करना गैर कानूनी है, एक ऐसा प्लेनेट जो पूरी तरह से डायमंड से बना हुआ है। क्या है इस प्लेनेट का नाम और क्या यहां से डायमंड पृथ्वी तक लाया जा सकता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, मिलिए एक ऐसे टाइम ट्रेवलर से जो भविष्य के 7000 साल आगे की दुनिया में जाकर वापस आ चुका है। टाइम ट्रेवल करने वाले इस शख्स का नाम विलियम टेलर है। विलियम के दावे के अनुसार वो टाइम ट्रेवल करके भविष्य में साल 8973 में गया। इसके अनुसार वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसी प्रोजेक्ट के तहत उसे भविष्य की दुनिया को देखने के लिए भेजा गया था। विलियम के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, और हैरानी की बात यह है कि वो इन सभी टेस्ट में पास हो गया। विलियम का दावा है कि भविष्य में रहने वाले लोग साइबोर्ग की तरह है, वो अमर है, और वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि एलियन की तरह दिखते हैं। भविष्य की दुनिया में शांति ही शांति और खुशहाली है, गरीबी, बीमारी और हिंसा का कहीं नामो निशान नहीं है। विलियम का कहना था कि वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन वो वहाँ 6 घंटे ही रुक सका और उसे वापस आना पड़ा। वैसे दोस्तों, क्या आप टाइम ट्रेवल पर विश्वास करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, इन तस्वीरों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये किसी माँ बेटे की तस्वीर है जिसमें बेटा अपनी माँ की शादी करवा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर में दुल्हन के साथ जो 10 से 12 साल का लड़का दिख रहा है वो इस महिला का बेटा नहीं बल्कि उसका पति है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक जवान महिला ने बच्चे से शादी क्यों की। वेल, आपको ये जानकर फिर से हैरानी होगी कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि 29 साल का जवान मर्द है। इस लड़के का नाम टेम्बा एंदुली है और ये एक एक्टर है। वही दुल्हन का नाम बॉब मसीलो है। ये दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद फाइनली इन्होंने शादी कर ली। भले ही ये दोनों पति पत्नी साथ में माँ बेटे की तरह लगते हो, लेकिन एक्चुअल में टेम्बा अपनी पत्नी से 1 साल बड़ा है। इस कपल को देखकर मुझे मिर्जापुर के मुन्ना भैया का एक डायलॉग याद आ रहा है। अगर आप समझ गए हैं तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, जब आपको घर खरीदना हो तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप होम लोन लेंगे या फिर सेविंग करना शुरू करेंगे, लेकिन इन सबसे अलग चीन की एक लड़की ने ऐसा किया जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। घर की कमी दूर करने के लिए इस लड़की ने एक निंजा टेक्निक अपनाई और 20 बॉयफ्रेंड बनाए। जब सभी लड़के इस लड़की के प्यार में पागल हो गए, तब उस लड़की ने गिफ्ट के तौर पर सभी बॉयफ्रेंड से आईफोन 7S की मांग की। हैरानी की बात यह है कि इस लड़की को सभी लड़कों की तरफ से आईफोन 7S मिल भी गए। 20 आईफोन मिलने के बाद इस लड़की ने सभी लड़कों का काट दिया और उन सभी को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद लड़की ने मोबाइल को एक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से 120,000 चाइनीज युआन में बेच दिया। इन पैसों से उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक घर खरीद लिया। दुनिया की ऐसी होनहार लड़की को हमारा सलाम। नंबर 6, अगर आपको किसी कंपनी का टैटू अपने हाथों पर बनवाना पड़े और इसके बदले आपको उस कंपनी की फ्री सर्विस मिले तो क्या आप ऐसा करेंगे? वेल, ऐसे ऑफर पर तो लोग अपने पूरे शरीर को ही टैटू से कवर कर सकते हैं। कुछ समय पहले डोमिनोज ने रूस में एक ऑफर की शुरुआत की, जिसके अनुसार जो कोई भी अपने हाथों पर डोमिनोज का टैटू बनवाएगा और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करेगा तो उसे 100 सालों तक फ्री में पिज्जा खिलाया जाएगा। इस ऑफर के आने के बाद पूरे रूस में पिज्जा लवर्स के बीच खलबली मच गई और टैटू बनवाने वालों की भीड़ जमा होने लगी। ये ऑफर 2 महीनों तक चलने वाला था, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में ही इतने सारे लोगों ने टैटू बनवा लिया कि कंपनी को अपना ऑफर बंद करना पड़ा। अगर पूरे 2 महीने तक यही ऑफर चलता रहता तब डोमिनोज को रूस की आधी आबादी को 100 साल तक फ्री में पिज्जा खिलाना पड़ता। नंबर 5, फ्लाइंग कार का सपना बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। नीदरलैंड्स की एक कंपनी पल वी ने फ्लाइंग कार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। पल वी फ्लाइंग कार में 2 इंजन लगे होंगे। रोड पर इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही होगी, वहीं आसमान में उड़ने की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी। इस कार में 2 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। रोड पर ड्राइविंग करते हुए सिर्फ 3 मिनट में ही इसे फ्लाइंग कार के रूप में बदला जा सकता है। टैंक फुल होने पर ये फ्लाइंग कार 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। इस फ्लाइंग कार में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी दी गई है। टेक ऑफ करने के लिए इसे लगभग 330 मीटर खाली रोड की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर गर्व होगा कि इस फ्लाइंग कार का निर्माण गुजरात में किया जाएगा। कंपनी और गुजरात की सरकार के बीच बातचीत फाइनल हो चुकी है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। नंबर 4, एक ऐसी चाय जिसकी 1 कप की कीमत आप 1 कार खरीद सकते हैं। दुनिया के सबसे महंगे इस टैग बैग का निर्माण इंग्लैंड की ज्वेलरी कंपनी
बूडल्स ज्वेलरी ने किया। इसे एक टी बैग की कीमत $10,000 यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए है, जो दुनिया की सबसे महंगी टी बैग है। इसकी खासियत ये है कि इसका निर्माण डायमंड्स के 280 छोटे छोटे टुकड़ों से किया गया है। ऑफ कोर्स डायमंड से भरे इस टी बैग में टी लीव्स भी है, वरना वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनता। इसके निर्माण में 3 महीने का वक्त लगा। वैसे क्या कोई इंसान क्या कभी इतना महंगा टी बैग खरीद कर उसे पी सकता है। नंबर 3, दुनिया में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब कानून अमेरिकन राज्य जॉर्जिया के क्विटमन में है। इस कानून के मुताबिक इस शहर में मुर्गियों का रोड क्रॉस करना गैर कानूनी है। मुर्गी को रोड क्रॉस करने से रोकने की जिम्मेदारी इसके मालिकों के ऊपर होती है। अगर किसी मुर्गी ने इस कानून को तोड़ा तो फिर उसके मालिक के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। इस कानून का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस शहर की मुर्गियां हर वक्त अपने मालिक के कंट्रोल में रहे। यह कानून तो मुर्गियों के अधिकारों का हनन करता है। बेचारी मुर्गियों को अपनी आजादी के लिए धरना प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। क्या आपने ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति देखी है जो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है? ऑक्टोपस की इस इनक्रेडिबली रेयर प्रजाति को हाल ही में पहली बार सेंट्रल पैसिफिक ओशन की गहराई में कैमरे में कैद किया गया। इस जीव का आधिकारिक नाम विट्रेले डोनेला रिचार्डी है, लेकिन मोस्टली इसे ग्लास ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति की खोज करने और इसे कैमरे में कैद करने में वैज्ञानिकों को 34 दिन लग गए थे। ये ऑक्टोपस इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसके शरीर के अंदर मौजूद ओपथिक नर्व आईबल्स और डाइजेस्टिव ट्रक्ट्स साफ साफ दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों के दौरान समुद्र में की गई सभी खोजों में ग्लास ऑक्टोपस की खोज को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जीव वाकई में काफी खूबसूरत है। नंबर 1, दोस्तों हमारी पृथ्वी पर डायमंड्स काफी रेयर हैं। यही वजह है कि दुनिया में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट है जहां डायमंड्स की कोई कमी नहीं। इनफैक्ट ये पूरा प्लेनेट डायमंड्स से ही बना हुआ है। 55 कैंसरी ई नाम इस प्लेनेट की डिस्कवरी 2012 में की गई थी। ये प्लेनेट आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा और मास में 8 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरा प्लेनेट ग्रेफाइट और डायमंड से बना हुआ है और पृथ्वी से इसकी दूरी 40 लाइट ईयर्स है। अगर ये प्लेनेट वैज्ञानिकों की पहुंच में होता तब तो इस पर कब्जा करने के लिए तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।